नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। मुरैना पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रसित यादव द्वारा निर्देश मिलने के बाद रविवार को मिलावट को रोक के खिलाफ मुरैना पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया है। सिविल लाइन टीआई कुशल भदौरिया जी और उनकी टीम ने जोरा रोड से चिल्लर सेंटर्स और जिले से बाहर दूध ले जाते हुए 5 टैंकरों को पकड़ा है। साथ ही कई डेयरियों पर भी छापामार कार्रवाई की गई है। बाद में पुलिस ने फूड सेफ्टी अफसरों को बुलाकर टैंकरों के सैंपल करवाए। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने भी 2 जगह से सैंपल की कार्रवाई की। एक जगह से पनीर और दूध के सैंपल लिए तो दूसरी जगह से क्रीम रिफाइंड पनीर के सैंपल लिए गए हैं। इसके साथ ही स्टेशन रोड थाना प्रभारी आशीष राजपूत जी ने भी 5 जगह पर छापामार कार्रवाई की है। मुरैना पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव द्वारा मिलावटखोरी के खिलाफ पुलिस ने मुहिम छेड़ दी है और अब देखते ही देखते पुलिस की इस मुहिम से मिलावटखोरों पर क्या असर होता है। ये प्रशासन के आदेश पर सभी जगह छापेमारी करी गई थी, जिसमें मिलावटी दूध, पनीर, खोआ एवं अन्य केमिकल के संबंध में तलाशी ली गई। इस प्रक्रिया में पुलिस थाना सिविल लाइन के द्वारा 60 टैंकर पकड़े जाकर उनके दूध के सैंपल करवाए थे, जिनमें करीब 52,000 लीटर दूध भरा हुआ था। फूड विभाग के द्वारा उनके सैंपल लिए गए और जांच के लिए भेजे गए। यदि उसमें नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो फूड विभाग की रिपोर्ट पर हम अगली वैधानिक कार्रवाई करेंगे। साथ ही मदर डेयरी में भी स्किम पाउडर के सैंपल करवाए गए हैं और ये जो छापेमारी के अभियान है ये अभी लगातार जारी है। तो सर, इसमें कितना क्या लागत? 52,000 लीटर दूध उसमें जब्त हुआ था और जो फूड विभाग के द्वारा रिलीज कर दिया गया है और जांच के बाद जो रिपोर्ट आई उसके बाद ही अगले बढ़ा। नहीं, ये अलग अलग थानेवार टीम थी। हर थाना प्रभारी और थाने की टीम ने अपने थाना क्षेत्र में कार्रवाई की। मैं पुलिस वाले मैक्सिम के साथ। विगत दिवस भारी बारिश के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग झांसी खजुराहो पर सकरार के पास बना पुल हुआ धराशाही और पुल के टूटने से और पानी का बहाव तेज होने से लोगों के घरों और खेतों में पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे तहसील प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारू रूप से रखने के उद्देश्य पुल का कार्य तेजी से शुरू कराया। मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सकरार में बना नैना पुल पानी के तेज बहाव के कारण धराशाही हो गया। आपको बता दें कि ये पुल राष्ट्रीय राजमार्ग झांसी खजुराहो को जोड़ता है, जिसके टूट जाने से आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। पुल के टूट जाने और पानी के तेज बहाव के कारण पानी लोगों के घरों और खेतों में भर गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने बताया कि विगत रात्रि भारी तेज बारिश होने के चलते पानी का तेज बहाव बढ़ गया, जिसकी वजह से पीएनसी कंपनी द्वारा बनाया गया पुल पानी के तेज बहाव में बह गया, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले राहगीरों और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपका नाम क्या है? अच्छा जी, कौन सी नदी है? नैना नदी। नदी जी, कैसे टूट गई है पुल? पानी के बहाव। अच्छा, इसका आवागमन? हाँ। अच्छा, कितना जाम लगा है इसमें? ये लगा है लगभग 20 किलोमीटर। अच्छा, 2 किलोमीटर का जाम लगा है। चलो ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाने को लेकर देश में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। धमतरी जिला पहुंचे छत्तीसगढ़ प्रदेश कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने इस फैसले को मोदी की दादागिरी करार दिया है। वहीं इस मामले में पार्टी द्वारा मंथन कर आगे की बात कहने की बात कही है। दरअसल सोमवार को प्रदेश मंत्री और धमतरी जिला प्रभारी मंत्री कवासी लखमा जिले के दौरे पर हैं। कुरू विकासखंड के ग्राम सेमरा में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करने पहुंचे हैं। लखमा ने मीडिया से चर्चा करते हुए जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के सवाल पर पहले तो मामले में कुछ भी बोलने से मना किया, पर जब इस मामले में कहा तो इस धारा को हटाना मोदी की दादागिरी करार दे डाला। साथ ही पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी द्वारा मंथन कर आगे की बात कही जाएगी। ये 370 का मामला है, उसको देश के जनता क्या प्रतिक्रिया होगा, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बनने में ये अच्छा नहीं देख रहा है। मोदी का दादागिरी टाइप का लग रहा है, पता नहीं देखा है। डिटेल देखने के बाद हमारा पार्टी हाईकमान, हमारे हाईकमान जो भी निर्णय लेगा उसके बारे में टिप्पणी करेंगे। अब मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये जल्दीबाजी होगा। हमारे यहाँ हमारा सरकार ने निर्णय लिया है। जो बड़े मैया जनपद पंचायत को 16 जनवरी 2019 को एक पत्र जारी हुआ, जिसमें 115 ग्राम पंचायतों का
कला मंडलियों को 25,000 रुपए अनुदान देने के निर्देश दिए गए, जिसका पालन करते हुए मैहर जनपद पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों ने भी 115 ग्राम पंचायतों की कला मंडलियों के खाते 25,000 रुपए भेज भी दिए, जिसमें ज़्यादातर कला मंडली वैकल्पिक है। साथ ही जिनके खाते में राशि भेजी गई है वो उस ग्राम पंचायत के निवासी भी नहीं है। जैसे ग्राम पंचायत गुनवारा शारदा महिला मंडल के नाम का उल्लेख है, जिसमें कलाकार का नाम रीता गुप्ता को बनाया गया है, जबकि गुनवारा में इस नाम का ना तो व्यक्ति है, ना ही मंडली और ना ही कोई यंत्र खरीदे गए। इसी तरह ग्राम पंचायत महेदर में जयराम शिवहरे नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। ग्राम पंचायत सीमड़ा में रमाकांत यादव नाम का कोई भी व्यक्ति पंचायत में निवास नहीं करता। इसी तरह ग्राम पंचायत तिघरा खुरद में प्रियांश श्रीवास्तव का कोई व्यक्ति नहीं है। इतना ही नहीं, लगभग 115 ग्राम पंचायतों में इस तरह का खेल खेला गया है, जिसमें करीब 28,75,000 की राशि का भुगतान किया गया है, जिसमें लगभग 50% कलाकार और कला मंडलियों को फर्जी भुगतान किया गया, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से की है। झांसी वाल्मीकि समाज महासभा की तरफ से महर्षि वाल्मीकि मंदिर उद्यान में महर्षि वाल्मीकि महोत्सव समिति की बैठक हुई, जिसमें नई कार्यकारिणी का गठन हुआ। सर्व समिति से संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने अध्यक्ष मुन्नालाल करोसिया, मुख्य संयोजक अशोक प्याल, महामंत्री राजेश डागौर, कोषाध्यक्ष सुभाष माथे को चुना है। इस दौरान आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है। कोषाध्यक्ष सुभाष माथे ने समिति के पदाधिकारियों को बताया कि इस साल 4,51,963 रुपए की राशि प्राप्त हुई है और विभिन्न मदों में 4,37,957 की राशि व्यय हुई है। कुल 17,006 रुपए की बचत हुई है। इस मौके पर बालकृष्ण गांचले, सुरेश पग्गन, कुंदन लाल, रमेश भारती, शिवचरण भरोसी, महंत सुभाष माथे, प्रकाश चौधरी, कैलाश बाबूलाल मौजूद रहे। दक्षता सियाराम महरूड़िया, संचालक हरिशंकर वाल्मीकि और आभार अशोक ने व्यक्त किया। जबलपुर राज्यसभा में कश्मीर में धारा 370 खत्म होते ही देश के साथ जबलपुर में ब्राह्मण मंच द्वारा मत खमरिया ने जश्न मनाया। इस बिल के पास होते ही देश और मोदी सरकार की सबसे बड़ी जीत बताया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि आज़ादी के 70 साल बाद आज एक बार फिर देश आज़ाद हुआ है। पिछले 70 सालों में एक देश में दो विधान चल रहे थे। मोदी सरकार ने जो वादा किया था उस वादे को निभा दिया। धारा 370 को खत्म कर आज मोदी ने अखंड भारत का निर्माण किया है। अब देश का कोई भी नागरिक कश्मीर का नागरिक होगा। आज का दिन देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन इतिहास में लिखा जाएगा। दो दिन पहले साइंस कॉलेज में एक शिक्षक और छात्र को लेकर हुए विवाद के बाद एनएसयूआई और एबीवीपी छात्र संगठन आपस में भिड़ गए थे। थाने में हुए विवाद में दोनों ही पक्षों के खिलाफ सिविल लाइन थाना पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की थी। आज उसी एफआईआर के विरोध में और शिक्षक आरपीएस चंदेल के समर्थन में सैकड़ों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राएं कलेक्टर का घेराव कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। पर ज्ञापन के दौरान कलेक्टर के स्थान पर एसडीएम को देखकर एबीवीपी के छात्र भड़क गए, लिहाजा जबरन कलेक्टर जाने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने की भरसक कोशिश की। पर लगातार एबीवीपी का हंगामा देख पुलिस ने वाटर कैनन सहित आंसू गैस के गोले भी छोड़े। बावजूद इसके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का हंगामा जारी रहा। नतीजतन पुलिस ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दी। लाठीचार्ज और भगदड़ के बीच करीब 10 से ज्यादा छात्र घायल हो गए हैं, जिनमें की 2 की हालत गंभीर बनी है, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। इधर महिला कार्यकर्ताओं के साथ भी पुलिस के जवानों ने बदसलूकी भी देखने को मिली है, जिसके बाद एबीवीपी के छात्र और उग्र हो गए थे। आज हुए लाठीचार्ज को देखकर अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ताओं ने आने वाले समय में जबलपुर बंद करने का ऐलान किया है। वहीं पुलिस ने इस विवाद को लेकर दर्जन भर छात्रों को चिन्हित किया है, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर में अपराधियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं कि अब वो घर आती जाती लड़कियों को छेड़ने और उनसे मारपीट तक करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला जबलपुर के बेलबाग क्षेत्र का है, जहां पर स्कूल पढ़ने वाली लड़की जब स्कूल से घर आ रही थी तब रास्ते में उसे एक युवक ने छेड़ा। जब लड़की ने एतराज किया तो आरोपी युवक ने उसके साथ मारपीट कर दी। घटना की जानकारी जब लड़की के परिवार वालों को लगी तो परिवार वालों ने युवक की पिटाई कर दी, लेकिन मामला यहां भी शांत नहीं रहा। शाम होते ही आरोपी ऋतिक और सनी पीड़ित लड़की के यहां पहुंचे और उसके घर पर बम फेंका और तोड़फोड़ कर दी। तोड़फोड़ करने के बाद आरोपी युवक वहां से फरार हो गए। इस घटना की शिकायत पीड़िता के परिजनों ने थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध करा आरोपियों की पतासाजी में जुट गई है। हाँ, अपने यहाँ थाना में अभी करीब एक घंटे पहले सूचना आई थी कि मेघा चौधरी निवासी चौधरी मोहल्ला भान तलैया थाना बेलवाती इसके घर पे रितिक तामिया और सनी महतो ने बम फेंके हैं। जो सूचना की तस्दीक मौके से जाकर की गई तो वहाँ पर कुछ छर्रे वगैरह पाए गए हैं, छर्रे और बम के टुकड़े अवशेष वगैरह। तो उस पर मेघा की रिपोर्ट पर रितिक तामिया तथा सनी महतो के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है तथा इनकी पता तलाश की जा रही है। आरोपी गढ़ अभी दस्तयाब नहीं हुए हैं, घटना का कारित करके भाग गए हैं। दोपहर का 2 बजे का समय था, मेरी भतीजी वहाँ से पढ़ाई करके आ रही थी
और उसने वहाँ कुंदन मूर्तिकार के यहाँ आके उसने उसको रोका और मेरी भतीजे को कंटाप मारा, इसका छेड़खानी करा, इसलिए मेरे भतीजे लोग उन लोग के साथ थोड़ा बहुत मारपीट करे। शाम को क्या हुआ भी? शाम को मेरे घर पे आके उन लोग बम चला के गए। कौन कौन लोग थे? वो रहे क्या बोलते रजवा और उसका लड़का रितिक और सनी और एक लड़का और था गगन। क्या बम चलाए? बम चलाए जे आपको निशान दिख रहे हैं। बम चलाया? बम चलाए, तलवार भी चलाई है मगर किसी को पढ़ नहीं पाया। मेरा नाम संजय चौधरी है। दिनांक 4 अगस्त 2019 को स्मार्ट सिटी द्वारा देवताल काली मंदिर समिति को वृक्षारोपण के लिए आवंटित किया गया है, जिसमें काली मंदिर समिति सभी सदस्यों ने सभी परिवार बच्चों से और क्षेत्रवासी समूह के समस्त मित्रगण और जन सहयोग द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया और आगामी समय में वृक्षों को लगाने और उनकी देखरेख करने के लिए शपथ ली और सभी सदस्यों का वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी जागरूक करने के लिए शपथ ली, ताकि अधिक से अधिक संख्या में वृक्षों को रोपित कर उन्हें हमेशा संरक्षित करने के संकल्प के साथ सभी से अपनी समिति के सदस्यों का नाम माया वर्मा जी, अर्पणा जी, करीमा जी, अलका मीना जी, बच्चों की टोली जिज्ञासा चौधरी, जागृति चौधरी, पलक यादव, शिवानी चौधरी, करण यादव, सौरभ चौधरी, रूपेश विश्वकर्मा जी, लीलू चौधरी, सुरेंद्र वर्मा बाबा जी, रूप किशोर प्यासी जी, आशीष कुमार जी, मुख्य अतिथि पंडित अशोक मिश्रा, संजीव नगर थाना प्रभारी भूपेश्वरी चौहान जी, ओपी खपरे जी उपस्थित रहे। जबलपुर के साइंस कॉलेज में शनिवार शाम उस वक्त अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया जब भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के नगर अध्यक्ष और उसके साथियों ने प्रोफेसर के साथ मारपीट कर दी। घटना के बाद प्रोफेसर सिविल लाइन थाना पहुंच गए और घटना की शिकायत दर्ज कराई। वहीं प्रोफेसर के साथ मारपीट की घटना की सूचना मिलते ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पहुंच गए और दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं में टकराव हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों के लोगों में मारपीट शुरू हो गई। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और भीड़ को तितर बितर कर दिया। हमले में छात्र सहित प्रोफेसर को गंभीर चोटें आई हैं। हंगामे के बाद दोनों पक्ष थाने पहुंचे और जांच भी जमकर हंगामा चला और यहां भी जमकर हंगामा चला। मामले को लेकर काफी देर तक गहमा गहमी का माहौल निर्मित रहा। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार बीएड एडमिशन के लिए साइंस कॉलेज में काउंसलिंग चल रही थी, तभी शुभांशु कनौजिया और आदर्श अहिरवार नामक दो छात्र पहुंचे और काउंसलिंग प्रभारी गणित विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राघवेंद्र प्रताप सिंह चंदेल से एनएसयूआई नगर अध्यक्ष विजय रजक से फोन पर बात करने के लिए कहा। इसी दौरान विवाद बढ़ गया और मामला मारपीट तक पहुंच गया और फिर थाने, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। घटना की जानकारी लगते ही एसपी मौके पर पहुंच गया और दोनों पक्षों को समझाइश देते हुए आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया। अकील पर 18 प्रकरण दर्ज है। उल्लेखनीय है कि पकड़ा गया आरोपी अकील खान भोपाल का मूल निवासी है, जिसके विरुद्ध कमला नेहरू नगर थाने में 18 मामले चोरी धनक जनी के पंजीबद्ध है। कमला नेहरू नगर थाने में हिस्ट्री शीट खोली गई है और जबलपुर में पूर्व से चोरी और नकब जनी के 9 अपराध पंजीबद्ध है। निगरानी फाइल खोली जा रही है। ये दो चोरियां है। एक 9/7/2019 को कृष्णा कॉलोनी सुहागी में हुआ था, जिसमें दो सुने घरों में चोरी हुई थी। एक लैपटॉप, 3 मोबाइल, 1 डोंगल, 1 ईयरफोन, चांदी के 5 कड़े, 1 सोने की अंगूठी, 1 डिस्कवर मोटरसाइकिल, इसे भी जब्त कर ली गई है। लगभग 2,00,000 का मसरूका है। दोनों चोरियों की रिकवरी हुई है। इसमें एक आरोपी जो है वो शकील अभी भी फरार है। मोहम्मद अकील खान, पीरू खान और अम्मू, इनको गिरफ्तार किया गया। इनको अभी हनुमान दाल के रहने वाले हैं। इसमें से मोहम्मद अकील खान निगरानी बदमाश है। इसमें भी जो लोग हैं ये गाड़ी चलाते हैं और नगर निगम की गाड़ी चलाते हैं, कूड़ा ले जाते हैं और कूड़ा के बहाने ये सुने घर को चिन्हित करते हैं और चिन्हित करके फिर ये वारदात को अंजाम देते हैं। इनको पकड़ा गया है। इनसे अभी और पूछताछ की जा रही, क्योंकि सुहागी और उस पूरे एरिया में आधारताल में बहुत सी चोरियां हुई हैं। मेन जो आरोपी है जो फरार शकील उर्फ अकरम, ये भी भोपाल का कमला नगर का लिस्टेड निगरानी बदमाश है। इसको भी हम पकड़ेंगे तो निश्चित तौर पर जो और चोरियाँ हैं उनका हमारा निकाल होगा। जबलपुर में प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ लोकायुक्त की कार्रवाई जारी है। नगर निगम के लिपिक लता नामदेव और पेंशन विभाग के प्रभारी राकेश पांडे को रिटायरमेंट फंड के भुगतान के लिए रिश्वत मांगते दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। दोनों रिटायर महिला सफाई कर्मचारी श्यामा महतो के बेटे से 5,00,000 रिटायरमेंट फंड के एवज में 40,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। शिकायत पर टीम ने दोनों को पकड़ने का जाल बिछाया। पहली किश्त के रूप में 20,000 रुपए देने की बात हुई। तय जगह पर
रकम लेकर कर्मचारी का बेटा पहुंचा। टीम पहले से इन पर नजर बनाए रखी है। रकम जैसे ही दी गई, टीम आ धमकी दोनों को लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। वहीं दोनों को रंगे हाथों पकड़ने के बाद आगे की कार्रवाई लोकायुक्त की टीम द्वारा की जा रही है। जबलपुर की बनागढ़ थाना अंतर्गत टीआई देवेंद्र सिंह ध्रुवे को मुखबिर की सूचना मिली कि कुछ लोग कुशनेर पिपरिया में पीपल के पेड़ के सामने बने टपरे में जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर थाना बनागढ़ की टीम के द्वारा कुशनेर पिपरिया में दबिश दी गई, जिसमें चार लोग जुआ खेलते पकड़े गए हैं। एक मनोज भूमिया उम्र 20 वर्ष पिपरिया, दो रामकिशोर केवट उम्र 25 वर्ष छोटी पिपरिया, राकेश केवट उम्र 30 वर्ष छोटी पिपरिया, उत्तम प्रसाद केवट 33 वर्ष छोटी पिपरिया, उनके पास से 3800 रुपये बरामद किए गए हैं। अभी दोपहर 2 बजे के लगभग उनको मुखबिर की सूचना मिली कि मोहना पिपरिया में एक पीपल के सामने टपरे में जुआ चल रहा है। सूचना मिलते ही हम लोग यहाँ टीम रवाना हुई, जिसमें ASI दाहिया, आरक्षक विनोद, PSI आकाशदीप और योगेश हम लोग शामिल थे। हम लोग जब जैसे जा वहाँ गए, टपरे पे जुआ खेलने वाले लोग हमको देख के भागने लगे, उनको पकड़ा गया। मौके से जुए का पैसा और 52 पत्तों की जो गड्डी मिली हमको, अभी उनको थाना लाया गया और कार्रवाई की जा रही है। कश्मीर से धारा 370 का प्रावधान हटने के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। सभी संगठन अपने अपने क्षेत्रों में खुशी व्यक्त कर रहे हैं। इसी क्रम में आज झांसी में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के संयुक्त रूप से झांसी के इलाई चौराहे पर मिठाइयां बांटकर और पुष्प वर्षा का संसद के इस फैसले का समर्थन किया गया, साथ ही खुशियां व्यक्त की गई। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे अंचल अर्जड़िया ने बताया कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर वर्तमान सरकार ने देश की समस्त जनता को आज एक तोहफा दिया है। अब कोई भी अपना इच्छा अनुसार कश्मीर में अब तक तिरंगा जलाने पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन अब वो एक जघन्य अपराध माना जाएगा। भारत सरकार से इस फैसले से कश्मीर आज वास्तविक रूप से भारत का अभिन्न अंग बन गया है। हम चर्चा करते कटनी जिले के शिक्षा विभाग की, जिसमें ढीमर खेड़ा जनपद शिक्षा केंद्र के अंतर्गत अंतर्वेद गनियारी स्कूल में शिक्षा सत्र के एक माह बीत जाने के बाद भी नवमी दसवीं की कक्षाओं में एक भी शिक्षक नहीं है, जिसका खामियाजा कक्षा नौवीं और दसवीं के छात्रों को उठाना पड़ रहा है। दिनांक 16 जुलाई को पोर्टल में अंतर्वेद हाई स्कूल में पद रिक्त दिख रहे थे, जिसके बाद वहां पर आवेदन किए गए, चार लोग ज्वाइन भी हुए, लेकिन अगले ही दिन पोर्टल से ज्वाइनिंग के साथ साथ रिक्त पद की भी जानकारी गायब हो गई, जिससे हाई स्कूल के लगभग 200 बच्चे बिना शिक्षक के स्कूल पर दिन भर बैठे रहते हैं, जिससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। सूत्रों का मानना है कि यह समस्या पूरे जिले में है। जिले के लगभग 18 हाई स्कूल में पोर्टल से रिक्त पद गायब हो जाने की समस्या सामने आई है। जैसे आवेदन आए हुए थे वहाँ पर, आवेदन आए हुए थे, वो आवेदन संस्था में रखा गया है, उसको निर्देशित कर दिया गया। जैसे ही पोर्टल खुलता है, पोर्टल के आधार पर अपने शिक्षकों की जो मेरिट बनी हुई है उसको आमंत्रित करके उनको पढ़ाने के निर्देश दिया जाएगा। वर्तमान में जैसे स्कूल तो लग रहे हैं, तो फिर पढ़ाने का टीचर की व्यवस्था, वर्तमान में व्यवस्था वहाँ पर माध्यमिक और प्राथमिक शाला एक ही परिसर में लगता है। प्रधानाध्यापक को प्राचार्य को निर्देशित कर दिया गया है, एक परिसर शाला के अंतर्गत एक से लेकर के दसवीं तक जो संस्थाएं हैं वही टीचर उनको टाइम टेबल बना करके पढ़ाएंगे। धन्यवाद। खबरों में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज़।